अगली खबर आ रही है कासगंज से, जहां कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ की गई मारपीट व लूट, इसी के चलते पत्रकारों द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बीते दिन सावर थाने के सामने कवरेज करते हुए पत्रकार से मारपीट एवं लूट की घटना पुलिस के सामने हुई। पुलिस ने खुद मारपीट के शिकार पत्रकार को बचाया, पत्रकार के गले से तोड़ी गई चैन को बरामद कराकर वापस कराया। बावजूद थाना पुलिस ने आज 5 दिन बाद भी घटना की रिपोर्ट नहीं लिखी है। इसको लेकर पत्रकार समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है और उन्होंने कासगंज में एक बैठक कर सर्वसम्मति से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। देखिए, आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय कासगंज को ज्ञापन दिया है। घटना 22 तारीख की है। थाना सहावर में थाने के सामने एक मारपीट का मामला हो रहा था, तो एक पत्रकार साथी हैं विकास बाबू, वो वहाँ कवरेज कर रहे थे। तो कवरेज के दौरान दबंग पक्ष जो मारपीट कर रहे थे आपस में, उन्हें लगा कि ये पत्रकार हैं और हमारी खबर चला देंगे, हमें पुलिस एक्शन लेगी, हमारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी। उन्होंने उस पत्रकार साथी का मोबाइल छीन लिया, चैन तोड़ी, मारपीट की पत्रकार के साथ। और इस घटना की जब जानकारी पुलिस को हुई थाने के सामने, तो पुलिस आई और पुलिस ने ही पत्रकार साथी को बचाया। लेकिन पुलिस ने उस पत्रकार साथी की तहरीर लेने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया। पत्रकार जबकि कप्तान साहब और हमारे थाने के बीच भटक रहे थे, तो आज इस मामले को लेकर हम लोगों को जानकारी मिली, तो हम लोगों ने आज कासगंज में एक बैठक की और आक्रोश व्यक्त किया पुलिस के प्रति और घटना के प्रति। और हमने कप्तान साहब को एक सामूहिक ज्ञापन दिया कि हमने कहा कि उसने मोबाइल लूटा है और चैन टूटी गई है, पुलिस ने खुद चैन बरामद की, उसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने में क्यों लापरवाही की है। तो कप्तान साहब ने कहा कि हम मुकदमा दर्ज कराते हैं और मोबाइल बरामद कराएंगे, कार्रवाई करेंगे,